So the third question is, obtain all zeros of 3x की power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If its two zeros are root 5 upon 3 and minus root 5 upon 3. हमें एक polynomial दिया हुआ है, उसके हमें सभी zeros बताने हैं, जबकि हमें दो zeros given भी हैं, एक zero है, रूट 5 अपॉन 3 और दूसरा 0 है माइनस रूट 5 अपॉन 3. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है हम उसे लिख लेते हैं. लाइक 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. इसके बाद हमें दो जीरोज यहां पे गिवन है, दैट इज रूट 5 बाई 3 एंड माइनस रूट 5 बाई 3. सो हमें पता है कि ये दोनों एक टर्म फॉर्म कर रहे होंगे, तभी ये जीरोस बने, लाइक x माइनस रूट 5 बाई 3 और दूसरा फॉर्म करेगा x प्लस रूट 5 बाई 3. ये एक आइडेंटिटी को भी शो कर रहे हैं, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3. तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये फैक्टर होगा, और अगर ये फैक्टर होगा तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चेंट भी मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ लास्ट में बचेगा ज़रूर, और उसकी हेल्प से फिर हम बाकी के दो फैक्टर्स और निकाल लेंगे. तो सबसे पहले हमें डिवाइज़र पता होना चाहिए, जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3. हमें हमारा डिविडेंड पता होना चाहिए, जो कि वो गिवन पॉलिनोमियल है. सो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें डिविडेंड को लिखेंगे कुछ इस तरह से, लाइक 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. इसके बाद हम डिवाइजर को लिखेंगे कुछ इस तरह से, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3. इसके बाद हम अपना वही पुराना प्रोसेस यूज करेंगे कि सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स को पिक करना, उसे डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से डिवाइड करके अपने क्वेश्चेंट के पार्ट्स को ढूंढना. तो सबसे पहले जब हम डिवाइड करेंगे वो करेंगे 3x की पावर 4 को x स्क्वायर से, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर. तो 3x स्क्वायर हमारी क्वोशेंट की पहली टर्म हो जाएगी, और अब हम इस 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर में, तो वी विल गेट 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. ये सॉल्व हमने कैसे करा? सबसे पहले हमने साइंस इंटरचेंज करे. साइंस इंटरचेंज जब हम करेंगे तो 3x की पावर 4 से 3x की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस 2x स्क्वायर से प्लस 5x स्क्वायर को हम कैलकुलेट करेंगे और फाइंड करेंगे कि ये आता है प्लस 3x स्क्वायर, और इससे पहले 6x क्यूब एज इट इज नीचे आ जाएगा. सो हमारी नई इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. इसके बाद हम दोबारा सेकंड क्वेश्चेंट अपना फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम 6x क्यूब को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो हमें मिल जाएगा 6x. सो 6x हमारे क्वेश्चेंट का सेकंड पार्ट है, दैट इज हम लिख लेंगे प्लस 6x, और अब इस 6x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर माइनस 5 बाय 3 में. सो वी विल गेट 6x क्यूब माइनस 10x. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 6x क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हम छोटा सा माइनस लिख देंगे कुछ इस तरह से साइन चेंज करके. इसके बाद माइनस 10x बन जाएगा प्लस 10x, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो बचेगी 3x स्क्वायर माइनस 5. अब 3x स्क्वायर माइनस 5 हमारी नई इक्वेशन है, तो 3x स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर से, और हमें अपने क्वेश्चेंट का थर्ड पार्ट मिल जाएगा, दैट इज 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3. तो हमारे क्वेश्चेंट का थर्ड पार्ट हो जाएगा 3. इसके बाद हम इस 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 5 बाय 3 में कर देंगे, दैट इज डिवाइजर में करेंगे, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5. और हम साइंस इंटरचेंज करेंगे और इन्हें कट करेंगे, तो वैल्यू और वी कैन से रिमाइंडर आ जाएगा 0. और अब रिमाइंडर 0 आ चुका है, हमें हमारा क्वेश्चन मिल चुका है, और हमें इस क्वेश्चन का ही यूज करना है.
जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे वो हमारा है 3x² + 6x + 3, उसे हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, दैट इज 3x² + 6x + 3। इसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स करेंगे, इसके लिए हम 6x को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो नई इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, दैट इज 3x² + 3x + 3x + 3। अब पूरी इक्वेशन में से हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम 3x को कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा हमारा x + 1 (+3)(x + 1), दैट इज 3x + 3 × x + 1। तो जब हम जीरोस फाइंड करेंगे वो आएगा x = -3/3, दैट इज -1, एंड x = -1। तो दो जीरोस और आ गए, -1 एंड -1, और दो जीरोस हमारे पास पहले ही प्रेजेंट थे, दैट इज √5/3 एंड -√5/3।